नमस्कार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद जिस कार से चौंकाने वाले आंकड़े रहे हैं, उसके बाद 288 सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित है उसमें भी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। एनडीए विशेष इंडिया गठबंधन की सीधी टक्कर में कैसे बहुमत का आंकड़ा मिल सकता है, इसको लेकर सर्वे के आंकड़ों ने भी यहाँ पर चौंकाया है और बड़े बड़े नेताओं की नींद यहाँ पर उड़ती नजर आई है। और इस बार सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के बीच देखने को मिलने जा रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में सीधी टक्कर यहाँ पर होने जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र में अब योजनाओं की बौछार देखने को मिल रही है और एक बड़ी योजना महाराष्ट्र में शिंदे सरकार यहाँ पर लागू करने जा रही है। तो महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो लाडला भाई स्कीम, यानी मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो यहाँ पर योजना है उसी तर्ज पर लाडला भाई स्कीम, जिसमें युवाओं को सीधा फायदा मिलेगा जो बेरोजगार हैं, क्योंकि बेरोजगार और महंगाई के जो मुद्दे हैं उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए बड़ी योजना मानी जा रही है। और इस योजना का किन्हीं लाभ मिल सकता है, देखिए जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष है और जो यहाँ पर बात की जाए 12वीं डिप्लोमा और ग्रेजुएट होल्डर है, उनके लिए यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। तो 12वीं पास के लिए 6000 रुपए, डिप्लोमा होल्डर के लिए 8000 रुपए और ग्रेजुएट के लिए 10000 रुपए प्रति माह देने की बात यहाँ पर सरकार करते नजर आई है। जिसके बाद युवा क्या भारतीय जनता पार्टी एनडी के साथ जुड़ेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन महाराष्ट्र में काफी हलचल देखने को मिली है, क्योंकि महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी एनडी के पक्ष में बिल्कुल नहीं रहे। 48 सीटों में से केवल 17 सीट ही एनडी को मिली है और इससे पहले यह भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था उसने 41 सीट 2019 में हासिल की थी, लेकिन इस बार कई रीजन पर सीधे तौर पर नुकसान देखने को मिला है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जहाँ इंडिया गठबंधन ने 6 सीटें तो एनडी को 4 सीटें मिली, यहाँ पर विदर्भ में 6 में इंडिया गठबंधन तो 4 पर ही एनडीए को जीत मिली, यानी यहाँ दोनों रीजन पर सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा। मराठवाड़ा में भी यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा, 8 सीट पर इंडिया गठबंधन ने जीता, तो 1 सीट ही एनडीए को मिली है। जबकि थाने कोकड़ में 1 सीट पर इंडिया गठबंधन जबकि 5 सीट पर एनडीए को जीत मिली है, यानी इस रीजन पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त जरूर मिली है। जबकि मुंबई में यहाँ 4 सीटें इंडिया गठबंधन, 2 सीट पर ही एनडीए को जीत मिली है। इसके अलावा नॉर्थ महाराष्ट्र में 4 पर इंडिया गठबंधन, 2 सीट ही एनडीए को मिली है। यानी अगर बात की जाए तो यहाँ पर थाने कोकड़ को छोड़कर बाकी हर रीजन पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी रहा है। इसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है। इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर आई, जिसने 13 सीटों पर जीत हासिल की, 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि उद्धव गुट ने 21 सीटों पर चुनाव लड़कर 9 सीटें हासिल की। यहाँ पर बात की जाए शरद पवार ने 10 में से 8 सीट, यानी सबसे ज्यादा जो मार्जिन रहा है जीत का वो शरद पवार का रहा है, 10 सीटों पर चुनाव लड़के 8 पर जीत हासिल की है। जबकि टोटल 48 में से 30 सीटें इंडिया गठबंधन के पक्ष में रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीट ही उनके पक्ष में रही। सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में देखने को मिला। शिवसेना ने यहाँ 15 सीटों पर चुनाव लड़ा, 7 पर जीत मिली और एनसीपी ने 4 पर लड़कर 1 सीट हासिल की। और यहाँ पर बात की जाए तो काफी हलचल महाराष्ट्र में रही है। और अगर बात की जाए इस चुनाव दौरान अगर बात की जाए तो किस पार्टी का विधानसभा में किसका पलड़ा भारी रहा है, तो अगर बात की जाए तो यहाँ लोकसभा चुनाव दौरान कांग्रेस ने 63 सीटों पर विधानसभा की बढ़त हासिल की थी, जबकि उद्धव गुट ने 57 और एनसीपी ने 34 कुल मिलाकर अगर बात की 154 सीटों पर यहाँ पर विधानसभा में बढ़त हासिल की थी लोकसभा चुनाव दौरान इंडिया गठबंधन। जबकि एनडीए में यहाँ 127 या भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 80 और 39 सीटें शिवसेना ने और 6 सीटें एनसीपी की रही है। उसके बाद महाराष्ट्र को लेकर ताजा आंकड़े भी निकलकर सामने आए हैं। आखिर महाराष्ट्र में आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसके पक्ष में कितनी सीटें जाने का अनुमान सामने आ रहा है। तो नागपुर की 10 में से एनडीए को यहां पर 5 सीटें, तो 5 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच काट की टक्कर देखने को मिल सकती है। नासिक की 15 में से एनडीए को 8 और इंडिया गठबंधन का 7 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। मुंबई उपनगर की 26 में से एनडीए को 10 तो इंडिया गठबंधन का 14 सीट और अन्य के पक्ष में 2 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। मुंबई सिटी की 10 में से एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन का 6 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। रायगढ़ की 7 में से एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें, इंडिया गठबंधन को 4 सीटों पर जीत का अनुमान हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर आंकड़े सामने आ रहे हैं। सतारा की 8 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी यहाँ पर हो सकता है। रत्नागिरी की 6 में से एनडीए को यहाँ पर 2 सीटें और इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। सिंधुर की यहाँ पर बात की जाए तो 4 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। बड़ौदा की 4 में से एनडीए को 2 सीटें, 2 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच काट की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यवतमाल की 8 में से बात की जाए तो एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन की 6 सीटों पर पलड़ा भारी होने की संभावना आ रही है और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। अहमदनगर की अगर बात की जाए तो 12 सीटों में से
एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन का 8 सीट पर पलड़ भारी है। इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। अब तक 120 सीट का अनुमान में एनडीए प्लस के लिए 45 से यहाँ पर 60 सीट का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 60 से 70 सीट के आसपास हो सकती है। इनके पक्ष में 2 सीट का अनुमान हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात किया परभनी की, 4 में से एनडीए को 2 सीटें, 2 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। पुणे के 21 में से एनडीए को 9 सीटें, इंडिया गठबंधन का 12 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट की संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। पालघर की 6 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना हो सकती है। नंदुरबार की 4 में से एनडीए को 2 सीटें, 2 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लातूर की 6 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का 4 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अन्य के पक्ष में 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। कोल्हापुर की 10 में से एनडीए को 4 सीटें और इंडिया गठबंधन का 6 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महाराष्ट्र को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अब तक 169 सीटों के अनुमान में कौन आगे दिखाई दे रहा है? एनडीए को यहां 66 से 70 सीट के आसपास सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन करीब 70 से 90 सीटों के आसपास हो सकती है। इनके पक्ष में 0-2 सीटों की संभावना यहां दिखाई दे रही है। जलाना की 5 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। इनके पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। हिंगोली की 3 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। इनके पक्ष में यहाँ पर भी 0-0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। जलगांव की 11 में से एनडीए को 4 सीटें, इंडिया गठबंधन का यहां 7 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। गढ़चिरौली के 3 में से इंडिया गठबंधन को यहां पर 2 सीटें और एनडीए को 1 सीट की संभावना यहां दिखाई दे रही है, जो अनुमान यहां पर सामने आ रहे हैं। गोंदिया की 4 में से एनडीए को 2 सीटें, 2 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ देखने को मिल सकती है। सुले की 5 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। अब तक 200 सीटों के अनुमान में कौन आगे दिखाई दे रहा है? एनडीए को 80 से 100 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन का 90 से 109 सीट का अनुमान है और अन्य के पक्ष में 2 से 7 सीटों का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि चंद्रपुर की 6 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का 4 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। यहां पर बुलढाणा की 7 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का 5 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि भंडारा के 3 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीड की 6 में से एनडीए को 3 सीटें, 3 सीट पर ही इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अमरावती की 8 में से एनडीए को 3 सीटें, इंडिया गठबंधन का 5 सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। अकोला की 5 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का यहां पर भी 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सोलापुर की 8 में से एनडीए को 4 तो इंडिया गठबंधन का 3 सीटें, 1 सीट अन्य पक्ष में जाने का अनुमान दिखाई दे रहा है, जबकि थायन की 14 सीटों में से एनडीए को 8 तो 6 सीट पर इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल सकती है। सांगली की 5 में से एनडीए को 2 सीटें, इंडिया गठबंधन का 3 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। उस्मानाबाद की 2 में से एनडीए को दोनों सीटों पर जीत का अनुमान सामने आ रहा है। नादर की 4 में से एनडीए को 2 तो इंडिया गठबंधन का 2 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र को लेकर कुछ महत्वपूर्ण और लेटेस्ट आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए सर्वे के आंकड़ों में कौन आगे दिखाई दे रहा है, तो एनडीए 128 से लेकर यहाँ पर 150 सीटों के आसपास का आंकड़ा सामने आ रहा है। 145 का आंकड़ा एनडीए के पक्ष में भी जा सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में अगर बात की जाए तो 140 से लेकर 157 सीटों का अनुमान सामने आया है, जबकि 3 से 10 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं, जो अनुमान है। लेकिन बात की जा रही है कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में जो यहां पर गठबंधन बना है, ये गठबंधन विधानसभा चुनाव में किस प्रकार से यहां पर चुनाव लड़ते हैं, कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। महाराष्ट्र में अगली सरकार बनने के आंकड़े क्या एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाएंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद अब कई बड़ी एजेंसियों के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। एक बड़ी एजेंसी के आंकड़ों के हिसाब से 288 सीटों में से महाविकास अघाड़ी के लिए अगर बात की जाए तो 164 सीट का अनुमान है, जबकि महायुक्ति यानी एनडीए को 121 और अन्य के पक्ष में 3 सीटों का अनुमान सामने आया है। इस तरह से अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में काफी हलचल है, और महाराष्ट्र में क्या एनडीए को बहुमत का आंकड़ा मिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन के पक्ष में आंकड़ा जाएगा, ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करेगी। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र को लेकर आप यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस कार की हलचल यहाँ पर बात की जाए तो 2019 के बाद देखने को मिली है। कई बार यहाँ पर सरकार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, उसके बाद जनता किसके पक्ष में जाएगी और असली एनसीपी असली शिवसेना किसे लोग मानेंगे, ये तो महाराष्ट्र की जनता तय करने जा रही है। तो महाराष्ट्र को लेकर आप यहाँ रख सकते हैं, और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।